फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स फंडा। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यू सीरीज में। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में जैसा कि आप जानते हैं 15 क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये, जो कि दोनों लैंग्वेज में होते हैं, बायलिंगुअल। ओके, सो ये हमारा 7th सेट है। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, ये जो 5 क्वेश्चन है, ये प्रीवियस डे के क्वेश्चन प्लस आंसर्स हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है और साथ ही साथ यहाँ पे आंसर है। आप यहाँ से अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना स्कोर भी देख सकते हैं कि आपको 5 out of कितना करेक्ट स्कोर आया। ओके, सो आगे बढ़ते हुए पहला एजेंडा जो कि सेम है, अंतिम में 5 महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं, इसलिए वीडियो को आप कृपया पूरा देखें और साथ ही साथ अंत में इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 10.5% की वृद्धि हासिल की है, या विच स्टेट हैज शोन अ ग्रोथ ऑफ 10.5%। सो द आंसर इज आंध्र प्रदेश। सो फ्रेंड, हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें एक बताया गया है कि आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने 10.5% की ग्रोथ हासिल की है। आंध्र प्रदेश ने महाराष्ट्र और गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया है, जो कि मतलब इंडस्ट्रियलाइज्ड राज्य हैं और ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बेस्ड राज्य हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ से ग्रोथ जनरेट होती है इन दो राज्य से। मगर आंध्र प्रदेश ने इन दोनों राज्यों को भी पीछे छोड़ते हुए अपना जो एक ट्रेडमार्क बोल रहे हैं या अपने एक लेवल है उसे सेट करते हुए 10.5% की ग्रोथ अर्जित की है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऐसा राज्य है जिसने यह घोषणा करी है कि वो पहला महिला मॉल खोलेगा। ओके, पहला महिला मॉल खोलेगा। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव अनाउंस्ड टू ओपन कंट्री फर्स्ट महिला मॉल। तो ये देश का पहला महिला मॉल होगा और ये राज्य है केरला। सो केरला के जो CM है पिनारिया विजयन, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, उन्होंने घोषणा करी है कि वो आने वाले समय में अपने राज्य में भारत का पहला महिला मॉल खोलेंगे जो कि पूर्णतः महिलाओं द्वारा चलाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इन इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट टू स्टार्ट टैक्सी बॉट्स एंड सेमी रोबोटिक्स टो ट्रक्स। तो निम्नलिखित हवाई अड्डे में टैक्सी बोट और रोबोटिक तो टैक्सी चलाने के लिए पहला एयरपोर्ट किसे बनाया गया है, पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है IGI। IGI का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, जो कि दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स, यहां पे अब एक यहां पे टैक्सी बोट और सेमी रोबोटिक टो ट्रक का यूज किया जाएगा, जो कि जैसे एयरलाइंस में जो टर्बाइन फ्यूल होता है उसको भरने के लिए और जो भी क्रियाएं वहां पे होती हैं, जो कि एक स्टाफ जो ग्राउंड स्टाफ होता है वो एयरप्लेन में करता है टेक ऑफ होने से पहले, तो ये सारी जो क्रियाएं हैं ये रोबोट द्वारा की जाएंगी और एक ये टो टैक्सी होगी उसके द्वारा की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो जो मैनुअल वर्क होता था, मतलब यहाँ से सामान यहाँ तक ले जाने वाला, तो ये रोबोट द्वारा पहुँचाया जाएगा। साथ ही साथ एक टो ट्रक भी लिया जाएगा जो कि टर्बाइन ऑयल को भी टो करके यहाँ तक पहुँचाएगा, मतलब एयरलाइंस तक पहुँचाएगा, उसके बाद वो मैनुअली फिलिंग होगी उसकी। ओके, तो ये ऐसा करने वाला जो पहला एयरपोर्ट है वो है IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली का, न्यू दिल्ली का। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज शोन अ विलिंगनेस टू बाय फाइटर 16 जेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो यहाँ पे पूछ रहा है, इंडिया ने हाल ही में F-16 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए उत्सुकता दिखाई है, तो ये किस देश से खरीद रहा है या खरीदेगा। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो फ्रेंड्स, जैसे ये क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे कि भारत किसी भी मिसाइल को या किसी भी एंटी टैंक मिसाइल को या फिर मिलिट्री रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो किस देश से खरीद रहा है और किस देश से मतलब ये टेक्नोलॉजी ले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस बनने, मतलब इससे बनते हैं लगातार और फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ओके, सो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं सेक्टर से, मिलिट्री आर्सेनल, जहाँ भारत किस देश से सबसे ज़्यादा खरीदता है, कहाँ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेता है, तो ये अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इस पॉइंट से भी। ओके, सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसे आपने कुछ दिनों पहले देखा था S-400 रशिया से लिया
इसके लिए डील साइन हुई कि आने वाले समय में लेंगे। राफेल लिया अपन फ्रांस से, ओके, फिर उसके बाद बराक एट लिया इसराइल से, ओके। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज है जो कि भारत लेता है, साथ ही साथ मिसाइल्स भी परचेज करता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, फिर भले इसको भारत में ही असेंबल कर लिया जाए भारत की किसी कंपनी की मदद लेके, ओके। और भी जैसे एंटी टैंक मिसाइल्स वगैरह होते हैं, सबमरीन्स होते हैं, ये सब भी भारत इंडिया में असेंबल कर लेता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने के बाद। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विच पोर्ट्रेज सरदार पटेल इमेज इज हाउ मेनी फीट लॉन्ग। जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है जो कि अहमदाबाद में बनाया जा रहा है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, वो कितने फीट है, मतलब कितने फुट ऊंची है या कितने फीट की उसकी ऊंचाई है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 182 फीट। तो फ्रेंड्स ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी डबल है, मतलब उससे भी बड़ी है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ी है, और ये अहमदाबाद के शहर, अहमदाबाद शहर में है जो कि गुजरात में है, ओके फ्रेंड्स। सो यहाँ से आपको दो तीन क्वेश्चन फ्रेम हो गए कि ये कहाँ पर है, अहमदाबाद में है, और ये कितने फीट की है, ये इतने फीट की है, और इसका नाम क्या है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। इसे आने वाले, मतलब आने वाले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका इनॉग्रेशन करेंगे, ओके। अगला क्वेश्चन है कि विशाखा गाइडलाइंस विच वॉज इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एस सी का फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इन 1977 इज रिलेटेड टू, ठीक है, विशाखा गाइडलाइंस जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1977 में दी थी, वो निम्न में से किस क्षेत्र से है। तो फ्रेंड्स ये है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसे फॉलो करना अनिवार्य था कंपनीज को और क्या बोलते हैं पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को भी, ताकि जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है वर्क प्लेस पर वो ना हो, कि आपको ऐसा काम करना पड़ेगा अन्यथा आपका टर्मिनेशन हो जाएगा या फिर आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, इस तरह के जो टॉर्चर्स होते हैं प्राइवेट फॉर्म्स में या फिर आप कुछ पब्लिक संस्थानों में भी हो सकता है, तो ये उसके लिए कुछ गाइडलाइंस थी। इसके लिए भारत सरकार ने 2013 में सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट बनाया था, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पे प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट बनाया था 2013 में, और हाल ही में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की एक एडहॉक कमेटी बनाई गई है, जो कि जो एक मिनिस्टर हैं जिनका नाम आप जानते होंगे मेनका गांधी जी, उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप ऐसा एक ग्रुप या ऐसा एक एडहॉक कमेटी बनाइए जो कि जो अभी हैशटैग मीटू कैंपेन चल रहा है उसके बारे में गंभीरता से चर्चा करेगी और साथ ही साथ इसससे रिलेटेड लॉ लेके आएगी। तो फ्रेंड्स जो विशाखा गाइडलाइंस है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस से रिलेटेड है, ये इसका आंसर आप मतलब भूलिएगा नहीं, इसको याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में एक वार्षिक मीटिंग के लिए किस देश गए। पीएम मोदी रिसेंटली इज इन विजिट फॉर एनुअल मीटिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ओके। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, जापान। तो हाल ही में पीएम मोदी और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे, उनके बीच में एक जो एनुअल मीटिंग होती है दोनों देशों के बीच में, जो बायलैटरल एनुअल मीट है वो हो रही है जापान में, और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चर्चा कर रहे हैं मोदी जी और शिंजो आबे, जैसे कि अगर आप देखें कि डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गई, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गई, मैरीटाइम टेक्नोलॉजी हो गया, या एंटी सबमरीन एरिया में हो गया, कनेक्टिविटी के एरिया में हो गया, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में हो गया, तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे चर्चा होगी और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होगी, और ये भी चर्चा होगी कि जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है उसे जापान की मदद से बनाया जा रहा है, जो कि अहमदाबाद से लेके मुंबई के बीच में है, तो इसका भी इसे भी मतलब फास्ट ट्रैक करने के लिए भी चर्चा होगी इस बायलैटरल मीटिंग में, ओके फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, AAGC हाल ही में चर्चा में था, AAGC का फुल फॉर्म क्या है। AAGC वॉज रिसेंटली इज इन न्यूज एंड रिलेट्स टू डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और AAGC क्या होता है, मतलब स्टैंड्स फॉर। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। जैसा कि आपने देखा होगा, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आप अफ्रीका है और यहाँ पे एशिया है, तो अफ्रीका में
काफी मतलब अफ्रीका भी अंडर डेवलप्ड है, बहुत सारे देशों में यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो अफ्रीका में बहुत से लोग निवेश कर रहे हैं और बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन है ये इन्वेस्टमेंट का, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज के द्वारा, जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया भी इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे इंडिया ने साउथ अफ्रीका में काफी इन्वेस्टमेंट किया है। तो जापान भी ये बोल रहा है कि जापान और इंडिया मिल के यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जो चाइना है, चाइना का जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है वो ऐसा है कि इतना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि वहाँ के लोग इनके कर्जों के तले मतलब वो हो जाते हैं, इनके अधीन हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा श्रीलंका में हबन टोटा नाम का एक पोर्ट है, जो कि मतलब श्रीलंका ने चाइना को दे दिया है 99 साल की लीज पे, क्योंकि चाइना ने वहाँ इतना डेवलपमेंट किया और अंत में जो श्रीलंका की सरकार है वो उनके ऋण को चुका नहीं पाई, इसलिए उस पोर्ट को ही दे दिया 99 साल की लीज पे। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो डोमिनेटिंग वाली जो ये टैक्टिक्स है चाइना की, इतना इन्वेस्टमेंट करो, और ये पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा कर रहे हैं, ये मालदीव में भी ऐसा किया। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो इंडिया के पूरे मतलब पूरा एक सर्कल बना रहा है चाइना इंडिया को घेरने के लिए, और इंडिया के नेबर्स कंट्रीज में ये सब ऐसी हरकतें कर रहा है कि उनको मतलब इतना डेट देता है वो, इतना ऋण देता है कि वो आने वाले समय में वो ऋण को चुका नहीं पाते हैं, और अपने देश की कुछ चीजों को उन्हें गिरवी रखना पड़ता है, जैसे लीज दे दिया, है ना फ्रेंड्स। तो ये सब चीजें नहीं करना चाहिए, ये ऐसा जापान का भी मानना है और साथ ही साथ भारत का भी मानना है। तो ये कंस्ट्रक्टिव टाइप का डेवलपमेंट होगा, इसीलिए इसे कहा गया है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। तो यहाँ पे जो मतलब लाइक माइंडेड नेशंस वो आपस में मिलके अफ्रीका में ग्रोथ करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्वाड वाज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड टू काउंटर चाइना। चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड नामक एक संस्था बनाई गई। ओके, जो कि चाइना को काउंटर करेगी साउथ ईस्ट एशिया में और सेंट्रल एशिया में। क्वाड में चार मेंबर्स हैं, ठीक है, चार देश मेंबर्स हैं क्वाड में। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये बताना है कि वो चार देश कौन से हैं। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यूएस, जापान एंड इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स, ये अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है क्वाड का, लेकिन हाँ, ये अगर इसका अनाउंसमेंट हो गया तो चाइना काफी वल्नरेबल हो जाएगा इससे रिलेटेड। ओके, क्योंकि यहाँ पे सारे मेजर पावर्स हैं, जैसे यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया भी है काफी हद तक केपेबल है, और इंडिया भी है। तो ये चाइना को काउंटर करने के लिए एक मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन या एक संस्था बनाई गई है, लेकिन अभी इसका कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं हुआ, ना कि कोई इसकी मीटिंग हुई है, बस इसका एक प्रपोजल है। तो देखते हैं, जैसे भी ये न्यूज आने वाले समय में गेयर अप करेगी तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन फ्रेम करके आपको आपके लिए लाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आप रिसेंटली बहुत न्यूज में सुनते होंगे, ये काफी मतलब फ्रीक्वेंटली पॉपअप होता है ये वर्ड न्यूज़पेपर में, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। सो ये डील करता है बैंकिंग से फ्रेंड्स। तो जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है ये एक टूल है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इस टूल के तहत आरबीआई ये मतलब ये इंश्योर करता है कि जो बैंक्स होते हैं वो ज्यादा वल्नरेबल ना हो जाएं, मतलब फॉल होने के, मतलब वो ऐसा कोई बैंक्स ऐसा कोई मेजर ना उठाएं कि ज्यादा लेंडिंग कर दें, ठीक है, एसेट से ज्यादा लेंडिंग कर दें। ओके, या फिर ज्यादा एनपीएस राइज हो जाएं, जैसे कि एनपीए का इश्यू तो चल ही रहा है, लगभग 11 लाख करोड़ का एनपीए हो चुका है भारत के बैंक्स में। तो ये एक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है जो कि बैंकों को देखता है कि ये मतलब बैंकरप्ट तो नहीं हो रहे हैं, आने वाले समय में ये फेल तो नहीं हो जाएंगे, तो इन सब चीजों के बारे में ये निगरानी रखता है ये एक्शन। तो इसका नाम है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये डील करता है बैंकिंग सेक्टर से, भारत के बैंकिंग सेक्टर से, जो कि पब्लिक सेक्टर के जितने भी बैंक्स हैं उनसे डील करता है ये। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली मदन लाल खुराना, सॉरी ये के है मदन लाल खुराना पास्ट अवे, अभी रिसेंटली उनका देहांत हो गया है। तो वो किस राज्य के सीएम थे या किस जगह के सीएम थे? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, वो बीजेपी के मतलब बहुत कट्टावर नेता थे और उनका हाल ही में देहांत हो गया है, और वो सीएम थे दिल्ली के, यूनियन टेरिटरी दिल्ली के सीएम थे। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली HECI वॉज इन न्यूज टू रिप्लेस UGC। UGC का जो फुल फॉर्म है वो यूनियन ग्रांट कमीशन है,
और इसे रिप्लेस करने की बात कही जा रही है HECI से, तो यहाँ पे ये बताना है कि HECI का फुल फॉर्म क्या है, या HECI स्टैंड्स फॉर, HECI स्टैंड्स फॉर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो UGC है, यूनियन ग्रांट कमीशन, इसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये क्या करती है, ये जो भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं इसे रेगुलेट करती है, साथ ही साथ इसे भी इसे फंड्स भी प्रोवाइड कराती है। मगर ये जो नया ड्राफ्ट बना है HEC का, जो कि इसे रिप्लेस करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे दो अलग अलग बातें कही जा रही हैं। जो HEC है वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करेगा, रेगुलेट करेगा, और जो फंडिंग वाला पार्ट था जो कि पहले UGC के ही पास था, ये फंडिंग वाला पार्ट अब मिनिस्ट्री ऑफ HRD के पास चला जाएगा। यानी कि जो फंडिंग होती है, पहले क्या होता था, फंडिंग HRD मिनिस्ट्री से जाती थी UGC के पास, अब UGC इसी मतलब UGC ही देखता था कि फंडिंग भी देखता था और रेगुलेशन भी देखता था, लेकिन अब जो HEC है वो सिर्फ रेगुलेशन देखेगा और फंडिंग वाला जो पार्ट है वो देखेगा मिनिस्ट्री ऑफ HRD। तो ये दोनों में एक पार्टीशन कर दिया है, ताकि जो रेगुलेशन वाला पार्ट है वो काफ़ी मतलब ठीक हो सके, और साथ ही साथ जो मतलब एक्शंस होते हैं और जो एडरेंस होती है इंस्टीट्यूशंस में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में, जो फॉलो हो, जो एक लेवल है, लेवल ऑफ एजुकेशन, जो कि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन भारत के अंदर बढ़ाने की बात चल रही है, उसके लिए ये कदम उठाया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इन विच आर्टिकल, मतलब कौन सा ऐसा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश देने का विवरण देता है या विवरण बताता है। ओके फ्रेंड्स, या उनको पावर करता है, एम्पावर करता है, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 123। आर्टिकल नंबर 123 एक ऐसा आर्टिकल है जो कि प्रेसिडेंट, भारत के जो प्रेसिडेंट है उन्हें ये पावर देता है कि वो एक ऑर्डिनेंस मतलब ऑर्डिनेंस पे साइन करके उसे दे सके। ऑर्डिनेंस एक प्रकार का लॉ होता है, ये तब मतलब प्रेसिडेंट द्वारा दिया जाता है जब दोनों सदन, दोनों में से एक भी सदन या दोनों सदन ही बोल दें आप, वो सिटिंग में नहीं होते हैं या सेशन ऑफ द पार्लियामेंट नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये छह महीने तक के लिए वैलिड रहता है। यानी अगर एक अध्यादेश की अगर आप लाइफ बोलें तो वो मतलब 6 महीने मिनिमम तो है, ओके फ्रेंड्स, और मैक्सिमम ये होती है 6 महीने, उसके बाद जब तक ये पारित नहीं हो जाता, ओके 6 महीने और उसके बाद जब तक ये पारित नहीं हो जाता, ठीक है। तो अगर आप मैक्सिमम लाइफ बोलें इसकी कितनी होती है, तो ये 6 महीने होती है, ओके। अगर ये 6 महीने के बाद फिर पार्लियामेंट में नहीं मतलब टेबल किया गया और दोनों हाउस द्वारा नहीं पारित किया गया, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगा और फिर से एक नया ऑर्डिनेंस पास करना पड़ेगा जिसकी फर्दर जो लाइफ होगी वो होगी 6 मंथ्स। ओके फ्रेंड्स, सो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं आर्टिकल 123 के अंदर, और जो गवर्नर होते हैं राज्यों में वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं आर्टिकल 213 के तहत। ओके फ्रेंड्स, और जो 280 है, आर्टिकल 280 ये डील करता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से, और आर्टिकल जो 15A है ये डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज से, जो कि कुछ ड्यूटीज हैं जो कि संविधान में लिखी गई हैं, जो कि नागरिक को करनी पड़ेगी या परफॉर्म करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अकेलेगा आइलैंड कहाँ स्थित है। ओके फ्रेंड्स, रिसेंटली अकेलेगा आइलैंड वाज इन न्यूज एंड वेयर आइलैंड इज सिचुएटेड, ये आइलैंड कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये आइलैंड मॉरिशियस में सिचुएटेड है फ्रेंड्स। ओके, जैसे कि कुछ ये बेसिकली ये न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि इस आइलैंड को डेवलप करने के लिए भारत सरकार को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पे टेंडर मिला है, या फिर उन्होंने ये टेंडर मतलब जीता है, जैसा भी आप कहें जीता है, या फिर वो इन्वेस्टमेंट अब करेगा इस आइलैंड पे, और भारत सरकार ने अपने देश की जो कंपनीज है उन्हें ये टेंडर फर्दर दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप मैप देखेंगे तो ये एक प्रकार का अटॉल आइलैंड है जो कि मॉरिशियस से लगभग 900 किलोमीटर दूर है, तो ये मॉरिशियस के आसपास है। इससे पहले भी ऐसे कुछ आइलैंड्स जो न्यूज़ में थे वो भी यहाँ चर्चा कर लेते हैं, जैसे एक अजम्पशन आइलैंड्स था, ओके फ्रेंड्स, ये मालदीव्स में था, उसके बाद था मडागास्कर में आइलैंड था,
सेचिल्स में आइलैंड था। तो यहाँ मतलब ये आइलैंड्स डेवलप करने के लिए भारत मतलब काफी उत्सुक है, और साथ ही साथ यहाँ पे भारत अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए काफी उत्सुक है। इसके पीछे का कारण ये है कि जो मतलब चाइना की जो प्रेजेंस है, भारत को जो चाइना सर्कल कर रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के तहत, वो काफी बढ़ रहा है। और इसे काउंटर करने के लिए ये जो मैकेनिज्म्स हैं या ये जो आइलैंड्स पर डेवलपमेंट है भारत का, ये होना काफी अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मातृ वंदना योजना इज रिलेटेड टू, पीएम मातृ वंदना योजना किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका संबंध है मैटरनली बेनिफिट से। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो महिलाएं होती हैं जो कि ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, ना ही किसी पब्लिक पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयड है, उन्हें बेनिफिट्स दिए जाते हैं, या फिर मॉनिटर आप बेनिफिट्स में देख लें तो मॉनिटरी सपोर्ट दिया जाता है, क्योंकि वो जब भी जब उनकी मैटरनिटी लीव मतलब जब भी वो मतलब प्रेग्नेंट होती हैं या डिलीवरी के नज़दीक आती हैं, तो वो जॉब पे नहीं जा पाती हैं, या डेली वेज वर्कर्स जो होते हैं वो डेली अपने वर्क पे नहीं जाते हैं, या फिर अगर मान लीजिए उनका बेबी हो गया है तो उसकी केयर वो ठीक से नहीं करेंगी, और विद इन 2 to 3 days वो अपने जॉब पे जाने लगेंगे ताकि वो कुछ अर्न कर सकते हैं और उस बेबी के लिए फीड करा सकें। तो इस प्रोसेस को या बेबी के चाइल्ड मतलब चाइल्ड केयर के लिए जो मदर को घर पे ही रहने के लिए कुछ मॉनेटरी सपोर्ट सरकार द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो बेसिकली पीएम मातृ वंदना योजना मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये हो गया अंत इस वीडियो का, और साथ ही साथ ये है आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि 5 questions है। Which company retained its spot after defeating Amazon? तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन सी वह कंपनी है या वो जायंट कंपनी जिसने मतलब Amazon को पछाड़ के अपना स्पॉट रिगेन किया है। Who is appointed as the enforcement directorate chief partner state? मतलब कृषि कुंभ, ये KUM होगा फ्रेंड्स, कृषि कुंभ में जो दो पार्टनर स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनका नाम आपको बताना है। शिमोना हेल्प इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? एंड हु वन मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जो कि अभी म्यांमार में रिसेंटली कंक्लूड हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो आप अपने आंसर्स 5 questions के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, और प्लीज़ कमेंट करें कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, और साथ ही साथ आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। सजेशंस आर मस्ट एंड वी वेलकम योर सजेशंस एंड विल ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव ऑन योर सजेशंस। ओके फ्रेंड्स, सो आप अपने सजेशंस जरूर दें, और लाइक जरूर करें, और कमेंट जरूर करें, उससे काफ़ी बूस्ट मिलता है फ्रेंड्स डे टू डे डे एंड डे आउट वीडियोज़ बनाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, सो बाय बाय, टेक केयर, टिल वी मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।